पुराने लोग ऐसे ही होते हैं, वो कल की बात पे अभी तक गुस्सा आ रहा है पता नहीं। जितनी जल्दी मैंने मचाई थी उतना ही मैं लेट हो गया, तो आ गया हूँ प्योर ईवी के शोरूम में। आइस पी रहा हूँ मैं गन्ने का जूस, क्योंकि अब मेरी भी थोड़ी तबीयत से ऐसी हो रही है, सर में दर्द हो रहा बड़ी जबरदस्त तरीके से। अरे मत खाई से, ये कितनी ढीठ है। अरे मत करो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र चौहान, आप देख रहे हैं वीसी ब्लॉग द फैमिली ब्लॉग। दोस्तों सुबह के 9:50 हो चुके हैं और अभी तक सब सो रहे हैं ऑलमोस्ट, यानी सिर्फ गोलू उठाता और यू भी उठाता, पता नहीं दोनों कहां गए हैं अभी। तो गाइस मम्मी भी उठ चुकी है, मम्मी उठते के साथ अपनी गेम में हाई कर दिया मम्मी ने गेम का, पर ये तो है ढीला, आजकल ढीला हो रखा है ये, पता नहीं क्यों, क्या तरीका है इसका, ये देख लो। और सपना मैडम हमारी इधर से ये देखो उठ चुकी है अभी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लोग बाग आपको पूछ रहे हैं कि हाँ जी कल पेन हुआ था क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, कुछ कैसे नहीं हुआ? पेन ही नहीं हुआ तो हो गया। तो फिर मेरे को क्यों बुलाया? थोड़ी पेन हो गया था, बुलाया देखा गाइस, तो कल ऐसे झूठ मूठ का पेन करके बुला, यानी ऐसा भी हो जाता कभी कभी गाइस देख लो, क्योंकि पेन हुआ नहीं, यानी पेन हुआ उस तरीके का पेन नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था, लेकिन वो आधे अधूरे में ही रह गया, वापस ठीक ठाक होकर वापस हो गया नॉर्मल। इसके हर बार ही ऐसा हुआ है, तो पहले भी दो बार ऐसे ही हुआ है, यानी पेन इसके हुआ ही नहीं, जबरदस्ती इसकी डिलीवरी करवानी पड़ी हमें। तो गाइस नाश्ता इज रेडी, चाय उबल चुकी है पूरी तरह से, सपना का दूध भी हो चुका है, पराठे इधर मैं सेक चुका हूँ पूरी तरह से, ये देखो करारे करारे पराठे, लास्ट पराठा बचा है बस, ये बेलना बाकी है, बाकी सारा हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट यहाँ पे। तो गाइस नाश्ता हो गया रेडी, ये हमारी चटनी हरी, ये चाय पराठे, ये यूवी, ये मम्मी, ये गोलू, और वो सपना बैठ के सबसे अलग ही नाश्ता कर रही होती है। मरानी लोग ऐसे ही होते हैं, तो कल की बात पर अभी इतना गुस्सा आ रहा है, पता नहीं मेरे को बुला क्यों लिया, सी बना दिया। गाइस मैं तो निकल के आ गया हूँ घर से काम पे जाने के लिए, तो निकलते हैं अब, देखते हैं आज कितनी अर्निंग होती है कितनी नहीं, फिर वापस जल्दी से जल्दी घर पे आएंगे, क्योंकि काम थोड़ा कम ही करूँगा क्योंकि सपना की तबीयत थोड़ी ऐसी है, जल्द से जल्द वापस भी आना है मेरे को, तो चलते हैं अभी काम पे, देखते हैं क्या ऑर्डर मिलता है आसपास का, कोई छोटा मोटा ऑर्डर उठाएंगे। फाइनली अपने को पहला पार्सल मिल गया है जो मैं पिकअप कर चुका हूँ, जो कि था शास्त्री नगर से, लेकिन ये जाना है गाजियाबाद वसुंधरा इंक्लेव। दैन मैंने दूसरा ऑर्डर भी सर्च कर लिया जो कि करोलबाग से है, जो करोलबाग से मेरे को पिकअप करने के लिए जाना है, तो करोलबाग से उसको पिकअप करेंगे, फिर दैन उसका जो ड्रॉप है वो है प्रीत विहार का, तो चलते हैं पहले करोलबाग। जितनी जल्दी मैंने मचाई थी उतना ही मैं लेट हो गया, क्योंकि मेरे साथ सीन हुआ कुछ ऐसा, जो करोलबाग का पिकअप था जब पिकअप करने पहुंचा तो उन्होंने सर ने कैंसिल कर दिया ऑर्डर, उसके बाद मैंने दैन दूसरा ऑर्डर उठाया चावड़ी बाजार से, तो चावड़ी बाजार से जो उठाया वो साईं बाबा जाना था, तो चावड़ी बाजार पिकअप करने के लिए जब उसकी लोकेशन के लिए निकल पड़ा था करोलबाग से, तो वो चावड़ी बाजार ने कैंसिल कर दिया, तो हो गया ऐसा कुछ सीन। अब देन अभी तीसरा ऑर्डर मैंने पालगंज से उठाया, ये भी साहिब बात कही है, अब जाके ये पिकअप हुआ है, यानी मेरा करीब 1.5 घंटा ख़राब हो गया ये कैंसिल के चक्कर में, तो ऐसे भी लोग वर्क करते थे हमारे साथ, बड़ा परेशान करते हैं ये लोग। तो चलो खैर, अब गाइस अब चलते पहले साहिबाबाद, उसके बाद चलेंगे वसुंधरा इंक्लेव जो हमारा ड्रॉप है, प्रीतिवार वाला तुम्हारा कैंसिल हो ही गया। तो भाई मैं तो आ गया हूँ प्योर ईवी के शोरूम में, क्योंकि इसी रूट से निकल रहा था, क्योंकि मेरी बैटरी होनी थी चेंज, तो कंपनी से कॉल आ गया था मेरे को
क्योंकि मेरी बैटरी में प्रॉब्लम थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी बैटरी में प्रॉब्लम हो रही थी तो कंपनी रिपेयर के लिए गई है, तो आज मेरी बैटरी रिपेयर होके आ गई है। तो मैं इसी रूट से निकल रहा था, साहिबाबाद जा रहा था, तो मैंने कहा चलो निर्माण विहार होते हुए अपनी ये बैटरी पिकअप कर लो। मैंने अपनी बैटरी पिकअप कर ली है, अभी यहाँ से ले ली है, बैटरी चेंज हो चुकी है अपनी, तो चलते हैं अब यहाँ से। तो गाइस मैंने अपना साहिबाबाद का पार्सल ड्रॉप कर दिया है, देन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ वसुंधरा इंक्लेव, वहाँ पे अपना पार्सल ड्रॉप करेंगे। पार्सल ड्रॉप करने के बाद फिर देखते हैं वहाँ से अपने को कहाँ का मिलता है पार्सल, घर का मिलता है या फिर कहीं और का मिलता है। आज वैसे ही बहुत लेट हो गया हूँ, जल्दी जाना था घर पर लेकिन ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, क्या करें। और दो ऑर्डर तीन ऑर्डर जो मेरे कैंसिल हुए ना उसके चक्कर में मेरा दिन सारा ख़राब हो गया उस चक्कर में, और काम भी आज उतने का नहीं हो पाया उस हिसाब से। अभी तक के जो मैंने ऑर्डर उठाए वो सिर्फ एक तो 250 रुपये का ऑर्डर है और एक दूसरा है वो है 180 का, यानी टोटल मिला के यानी 450 के यानी 430 के आसपास का अपना जो है काम हुआ है, यानी 400 के आसपास मान के चलो 4 का हुआ है। अभी वापसी जाने तक देखो और कितना हुआ है। तो फाइनली गाइस अपना वसुंधरा का पार्सल भी ड्रॉप हो गया है, देन अब यहाँ से ढूंढते हैं अपना कोई दूसरा ऑर्डर जो कि घर की तरफ अपने को लेके जा सके, तो ढूंढते वाला कोई। तो गाइस पी रहा हूँ मैं गन्ने का जूस, भाई से एक गिलास करवाया है ये भाई। तो भाई जूस आ गया अपना बनके रेडी। तो भाई मेरे को मिल गया है एक ऑर्डर जो कि जाना है कनॉट प्लेस, लेकिन ये ऑर्डर मेरे को पर्सनली मिला है क्योंकि केक जाना है, तो मैडम ने बोला कि पर्सनली मेरे पास ले आओ, आप कोई दूसरा ऑर्डर मत उठाना। मैंने कहा ठीक है भाई पर्सनली ले आऊँगा। तो जहाँ मेरे को यानी ये 200 का पड़ रहा था, तो अब ये मेरे को 400 का ऑर्डर पड़ रहा है सिंगल ही, जो इसलिए मैं कोई दूसरा ऑर्डर नहीं उठा रहा, मैं डायरेक्ट ही अब सीधा कनॉट प्लेस जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके ड्रॉप करेंगे, फिर उसके बाद फिर अपना कोई घर के ऑर्डर का ऑर्डर। तो गाइस फाइनली अपना सीपी का पार्सल ड्रॉप हो गया, अब चलते हैं यहाँ से फटाफट घर, क्योंकि अब मेरी भी थोड़ी तबीयत से ऐसी हो रही है, सर में दर्द हो रहा बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, तो अब कोई ऑर्डर नहीं उठाऊंगा, सीधा घर ही चलेंगे अब डायरेक्ट यहाँ से, चलते हैं गाइस घर अभी यहाँ से। तो गाइस मैं तो पहुँच गया घर पे अभी अभी, और गर्मी इतनी भयंकर लग रही थी, आज के साथ लस्सी मिल गई मेरे को तो बनी बनाई बढ़िया, लस्सी मिल गई ये गोलू ने बना के रखी थी मेरे लिए, और मम्मी बना रही है पता नहीं क्या अरबी, अरबी की सब्जी बना रही है मम्मी, और ये गंजा कर रहा है नीचे बैठ के पढ़ाई। हाँ भाई और सपना रही हुई है नहाने के लिए। गाइस थोड़ी देर आराम करते हैं फिर देखते हैं क्या करना है क्या बनेगा आज, ढंग का कुछ खाना है, भूख लग रही है बड़ी जोर से और सर में भी दर्द हो रहा है मेरे। क्या खा रही है? बर्फ खा रही हूं। कौन सी बर्फ है ये? फ्रिज की है, फ्रिज की वो वाली बर्फ है साइडों में जम जाती है ना, ये वो बर्फ खा रही है। नई चाहिए तो जमाओ ना, अरे नुकसान करती है भैया, अरे मत खाई से, कितनी ढीठ है। क्या लड़ाई चल रही है तुम दोनों की? नहीं नहीं अब बोल देख लो भाई देख लो, दोनों ऐसे लड़ते रहते हैं ये। अरे मत करो,
कैसा दिन गुजरा आज का? अच्छा अच्छा। क्या करा आज? कुछ नहीं, आराम से लेटे थे, खाना खाया लेटे, और क्या करें। अच्छा, कूलर में पानी नहीं था। कूलर में पानी नहीं था आज? पानी नहीं था, जारों में भी नहीं था पानी। गुड नाइट, गुड नाइट। रोले पहले रोले ते है कल सपना के पे कितना पेन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। मैं तो उम्मीद अब बना के बैठा हुआ हूँ, इसके पेन बढ़े पेन बढ़े पेन बढ़े, क्योंकि टाइम इसका नज़दीक आ गया है। तो जो अब काम होने हैं वो हो हा के नक्की हो जाए और जल्दी से घर में बेबी हमारा आ जाए। तो चलो गाइस, करते हैं ब्लॉग का एंड, फिर मिलते हैं दोबारा एक न्यू ब्लॉग के साथ। आज के लिए टाटा, सी यू टुमारो अगेन, फिर मिलेंगे दोबारा एक न्यू ब्लॉग के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना, हो सके तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और भर भर के कमेंट करना। बाय।